देखिए ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस पर ड्रग अब्यूज़ के खिलाफ एक काफ़ी बड़ी मुहिम छेड़ी गई है ज़िला श्रीनगर में। इसमें सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर काम कर रहे हैं। आपने जो मिशन वापसी के बारे में पूछा है, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मिशन वापसी जितने ड्रग अब्यूज़ के विक्टम्स हैं उनको वापस लाने के लिए, उनको वापस जिंदगी में लाने के लिए एक बड़ी कोशिश है। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, वक्तन फक्तन कुछ कार्रवाई की गई है, लीगल एक्शन भी लिया गया है। हम इस चीज़ पर पूरा यकीन रखते हैं कि हमारे समाज में नौजवान जो हैं उनको जो गलत रास्ते पर अगर हों उनको वापस लाना हमारा फर्ज है। मिशन वापसी उन नौजवानों को जो ड्रग अब्यूज के विक्टिम बन चुके हैं उनको वापस जिंदगी की तरफ लाने का नाम मिशन वापसी है। मिशन वापसी खुद को खुद की तरफ आने, लौट आने की वापसी है। ये मिशन अपने कैरियर में दोबारा से आने की वापसी है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि मिशन वापसी अपने घर और घर वालों की तरफ वापसी है, ताकि हमारा जो अप्रोच है इसमें टू प्रांग अप्रोच है। नंबर वन, इन्फोर्समेंट लीगल साइड, जिसके बारे में अभी आपको एसएसबी साहब तफसीलन बताएंगे, और दूसरा है रिहैबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज। रिहैबिलिटेशन पार्ट के लिए हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं। उसके साथ साथ जो रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं उसको हम स्किल डेवलपमेंट के साथ भी जोड़ रहे हैं। जो सरकार की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स हैं उन स्कीम्स के साथ जितने भी विक्टिम्स ऑफ ड्रग अब्यूज़ हैं उनको जोड़ा जाएगा, ताकि वो दोबारा से अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकें। जहाँ तक इन्फोर्समेंट का ताल्लुक है, तो कुछ दिन पहले आपने, आप सब मीडिया हजरात का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने एक सोशल काज के लिए काफ़ी मेहनत करके जो कार्रवाई की गई उसको हाईलाइट किया, और समाज के अंदर हमें जो और रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे नौजवान वॉलंटियर कर रहे हैं, बहुत सारे हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, दूसरे संजीदा लोग हैं, सिविल सोसाइटी वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमने जिस तरीके से ये स्टार्ट किया है, एक मुहिम शुरू की है, एक हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है जिस पर जो वॉलंटियर वॉलंटियर और विक्टम दोनों के लिए, वॉलंटियर हमारे साथ जुड़ सकते हैं इस ड्रग अब्यूज की पूरी वबा को खत्म करने के लिए, और विक्टम को हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। विक्टिम की प्राइवेसी को रेस्पेक्ट करने के लिए एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है जिसको हम अनकरीब लॉन्च कर लेंगे, और उसमें खुद जो विक्टिम है वो डिस्क्लोज करेंगे कि आई एम ए विक्टिम ऑफ ड्रग अब्यूज एंड आई वॉन्ट टू रिफॉर्म माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू रिसेटल इन माई लाइफ। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वॉलेंटियर और विक्टम दोनों चीजों को हमने इंटीग्रेट किया है, और मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि जिस तरीके से ये कार्रवाई ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शन पर स्टार्ट हुई है, मिशन वापसी शुरू हुआ है, आगे आने वाले दिनों में हम ये कोशिश करेंगे, और बल्कि इसमें हमें काफी मुस्बत नतायज आने की पूरी पूरी उम्मीद है। अभी तक सर कितने ये ड्रग पेडलर जो है अभी अरेस्ट किए गए हैं अगले और अगले डिटेन सवालों किए के गए लिए हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा एसएसपी साहब से, जो आपके सवाल सर, हाउ मेनी ड्रग पेडलर्स यू नो अरेस्टेड और डिटेन्ड टिल नाउ? 2022 में हमारी अभी तक 41 एफआईआर हो चुकी हैं। 41 एफआईआर में भी हमारे लगभग 60 एक्यूज इन एफआईआर में भी अरेस्ट हैं। इन 60 को छोड़ के हमने 41 लोगों पे पीएसए भी लगाया है, ये अभी तक 21 और 22 को मिला के। 22 में आपको याद होगा 28 को हमारा ज़्यादा एक एक्शन हुआ था, उस दिन हमने 21 लोगों पे पीएसए किया था। डीसी सर और मैं एक साथ थे तो हमने काफ़ी जगह पे रेड किया, 12 टीमें थी हमारी, और मौके पे वी कैच होल्ड ऑफ दोज पीपल हु आर इन टू दिस एक्टिविटीज। जब उनको हमने एग्जामिन किया, हमने उनकी इंटरोगेशन की, उसमें आगे हमें नाम मिले तो उन सब लोगों को उठाया, और जो ज़्यादा बड़ी शाख्स थी जो कि इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे तो वो सब लोगों को वी हैव अप्लाइड पीएसए, बट केस इन्वेस्टिगेशन भी हो रही है। पीएसए इज जस्ट फॉर दैट दैट दे शुड नॉट डू दैट एक्टिविटी, बट जो रियल डेटरेंस होगा वो हमारा केस की एफआईआर से होगा।
केस की एफआईआर पे आते हुए एक बात और आपके सामने वार्ड से कि सेक्शन 68 एफ है हमारी नारकोटिक जो है एक्ट है उसमें है कि अगर कोई प्रॉपर्टी हैज़ बीन यूज फॉर दिस पर्पस या फिर उसके पैसे से कोई प्रॉपर्टी ली गई हो, वी आर स्टार्टिंग दैट ऑल्सो कि हम उसके अटैचमेंट का काम भी स्टार्ट हो रहा है। वी आर आइडेंटिफाइंग दोज प्रॉपर्टीज मूवेबल और इमूवेबल विच हैव बीन यूज फॉर दिस पर्पस और जो उस पैसे से भी आई हैं, तो उनके ऊपर भी है, हम और रेवेन्यू ऑफिशर्स हमारा एक साथ इसमें काम होगा एंड वी विल इंश्योर कि वो सभी प्रॉपर्टीज एकदम हो जाए। और उसके अलावा आई वॉन्ट टू से दैट कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वी वॉन्ट टू वॉर्न दैम दैट दे शुड स्टॉप दिस एक्टिविटी, इफ दे डोंट स्टॉप दिस एक्टिविटी हम उनको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। श्रीनगर हिस्ट्री के अंदर नारकोटिक का काम हम नहीं होने देंगे, वी आर आफ्टर दैम, दे शुड आइदर लीव द सिटी, इफ नॉट दे हैव टू स्टॉप दिस एक्टिविटी। जानते हैं अगर मैं सही हूँ तो जम्मू कश्मीर में जो लॉटरी है वो इलीगल है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत जगहों पर लॉटरी के स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ पर लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं टिकट्स वगैरह, तो इसको भी रिलेट किया जा रहा है ड्रग से, तो क्या हमें इस पर कोई कार्रवाई देखने है? बिल्कुल, लास्ट 2-3 हफ्ते से हमने काफ़ी ज़्यादा गैम्बलिंग के जो स्पॉट्स हैं हमारी रेड्स हुई हैं, डाउनटाउन एरिया में भी रेड्स हुई, हमारी हजरतबल में रेड हुई है, इवन डल लेक के अंदर भी शिकारों में ये काम हो रहा था। वी हैव स्टार्टेड अवर वर्क, काफ़ी लोगों को हमने उस पर लिया हुआ है। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, कोई भी दूसरा क्राइम जो शहर में हो रहा है, बीट चोरी, बीट क्राइम अगेंस्ट गर्ल, उसमें कहीं ना कहीं नारकोटिक का रोल है। सिविल सोसाइटी हैज़ टू अंडरस्टैंड नारकोटिक्स हैज़ टू गो, इफ़ वी डोंट स्टॉप इट नाउ अवर यूथ इज लॉस्ट। हमारा जो उसमें है उसमें देयर इज ए सेक्शन 68 एफ वेयर देयर इज प्रोविजन टू सीज दैट property which has been either used or which has been made from that money which is from narcotics. We have started that work, we are identifying aur badi jaldi aapko result iske aayenge samne taki baki log jo aur ye kaam karne ka soche unke upar deterrence rahe ki we cannot do it. log hamare paas aate hain, families they do approach sir and me ki hamara ye beta hai, he is into drugs, isko पीएसए लगाओ, इसको अंदर करो एक साल के लिए। सच इज दिस सिचुएशन हेयर वेयर माँ बाप चाचा ताया दे आर अप्रोचिंग अस दैट सर ही हैज गॉन टू स्टेज कि अपने हाउस में कर रहा है वो चोरी, वो माँ बाप को ही इज सेइंग कि मुझे पैसे दो, एंड व्हेन ही इज नॉट एबल टू गेट ही गोज एंड डज दिस चोरीज एंड ऑल। सो रिसेंटली वी हैव सीन सो मेनी यू नो स्टोलन, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसमें दे आर चोपड देयर फिंगर्स, बिल्कुल उसमें इयररिंग्स जो है उनके कान काटे, हाँ, तो उसका कोई अभी लीड आपको मैं आपको ये बताऊंगा कि 80-90% चोरी वाले जो भी केस हमारे शहर में सामने आए हैं दे हैव लिंक टू नारकोटिक्स अब्यूज। वी हैव कैच होल्ड ऑफ सो मेनी अक्यूज वेयर आफ्टर ड्यू टाइम वी कम टू नो दैट हिज हैंड इज शेकिंग, ही इज नॉट एबल टू से समथिंग, क्या क्या हो गया सर, आई यूज टू टेक दैट हीरोइन सर, थोड़ी मुझे मिल जाए, आई टाइम, सच इज दी सिचुएशन। और ग्रेविटी ऑफ प्रॉब्लम अगर आप कहेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जहां पर पर्सनली मैं अपने आपको बता रहा हूं, जो ऑफिस में हमारे पेरेंट्स कई बार आते हैं और पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हमारे बच्चे को आप डिटेंशन में रखो, अरेस्ट कर लो। शायद हम सब ने पहले ये तो सुना है कि अगर कोई बच्चा सोशली डिवियंट बिहेवियर एग्जिबिट करता है तो जब कानूनी कार्रवाई होती थी तो माँ बाप या पेरेंट्स बच्चे को अरेस्ट होने से बचाते थे। आज जहाँ हम ऐसे धाने पर खड़े हैं जहाँ माँ बाप आके बोलते हैं हमारे बच्चे को अरेस्ट कर लो ताकि ये इस ग्रुप से छूटे, पूरा चेन टूट जाए, तो प्रॉब्लम की सिवियरिटी बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ में एक केस हमारे पास ऐसा आया जिसमें कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई था और गवर्नमेंट एम्प्लॉई ने जितनी उसको सैलरी मिलती थी पूरी की पूरी सैलरी वो इसी काम पर लगाता था। अब वो अंडर रिफॉर्म है, अंडर रिहैबिलिटेशन है, लेकिन आप देखें कि उस पूरे खानदान का क्या होगा, उस पूरे परिवार का क्या होगा जहां बच्चों को जो पैसा बच्चों की पढ़ाई पर लगना चाहिए, जो पैसा उसको अपने घर बनाने के लिए लगाना चाहिए, वो पैसा वो सारा ड्रग कंजम्पशन में लगाता है। ऐसे भी केसेस हैं
एक बहुत टिपिकल केस आया हमारे सामने, जहां पर हस्बैंड वाज इनटू ड्रग कंजम्पशन और वाइफ को भी वो ही इंश्योर्ड कि वाइफ भी वाइफ इज आल्सो गेट्स इनटू दिस। आप सोचें कि हम किस किस्म के समाज को जन्म दे रहे हैं और फ्यूचर हमारा, हम किस किस्म के समाज का तसव्वुर कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। हमने ये बात बिल्कुल वाज़ह कर दी है कि हमारी यंग जनरेशन के साथ ये जो खिलवाड़ है इसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं किया जाएगा। देर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर दिस। और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज पढ़े लिखे नौजवानों का समाज हो, हमारा समाज उन नौजवानों का हो जो आने वाली जनरेशन के बारे में भी कंट्रीब्यूट कर सकें और जो ड्रग जैसी ड्रग कंजम्पशन के जो हार्ड स्पोर्ट्स हैं, दोनों चीज़ें हैं, पेडलिंग मैकेनिज्म। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं, एसएसपी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कि जो इसका पेडलिंग मैकेनिज्म है और जो कंजम्पशन हार्ड स्पोर्ट्स हैं उनको कम्प्लीटली सर्वे कर लिया गया है। और जो पीछे दो दिन पहले कार्रवाई हुई है, लगभग एक दर्जन से ज़्यादा जगहों पर रेड्स डाले गए हैं और उस दौरान जो रिकवरी हुई है, उस दौरान जो इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल सामने आया है, उस सारे से फर्दर लीड्स मिली हैं और आगे आने वाले दिनों में भी ये कार्रवाई पूरे जोरों शोरों से जारी रहेगी, क्योंकि हम अपनी नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता हुआ नहीं देख सकते। और इसमें ऑनरेबल एलजी साहब की डायरेक्शंस बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, क्लियर हैं कि ये जो ड्रग एडिक्शन है इसको कम्प्लीटली ख़त्म करना है। देखिए ऐसा है कि डिफरेंट है सोर्स, जैसे कि नॉर्थ के कश्मीर इज ए रूट, ठीक है ना, वीवीआर है कंसेप्टेड नॉर्थ कश्मीर इज ए रूट, बट अभी हमारा वो केस अंडर इन्वेस्टिगेशन है, वी आर होपफुल कि इसमें हमें और भी रिकवरी होगी, जो मेन सोर्स है उस तक भी हम जाएंगे, तो इट इज़ ए मैटर ऑफ केस, तो उसके बारे में आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इट मोर, बट काफ़ी इसके सोर्सेज नॉर्थ से भी आ रहे हैं। थैंक यू सर।